आवाज की दुनिया के दोस्तों का सुर बहार में पुरखलुस स्वागत है। दोस्तों, सुर बहार में हम हमारे 100 साल फिल्मी सफरनामे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर गुलोकारा नाहिद अख्तर जी की। दोस्तों, नाहिद अख्तर जी का जन्म मुल्तान पंजाब में हुआ था और जैसे पाकिस्तान के टीवी और उससे भी पहले रेडियो ऐसे फनकार तैयार करते थे जो बाद में फिल्म इंडस्ट्री में आकर बहुत ही कामयाबी हासिल करते थे, वैसे ही एक लोक तमाशा करके पाकिस्तान टीवी का प्रोग्राम हुआ करता था, उनमें वो हिस्सा ले लिया करती थी और उसके कारण वो बहुत ही छोटी उम्र में ही बहुत पॉपुलर हो गई थी। रेडियो में भी उन्होंने काफ़ी गाया और रेडियो मुल्तान से ही उसका एक तरह से गुलोकारी का कैरियर शुरू हुआ। दोस्तों, बाद में जब वो एम अशरफ साहब थे जो बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने उनको पहचाना, उनकी आवाज़ को जाना और रूना लैला के पाकिस्तान के से चले जाने के बाद जो पाक फिल्म की अंदर जो खला पैदा हुई थी गुलोकारी की, तो वो उन्होंने नाहिद अख्तर जी की आवाज़ से भरी। सबसे पहले नन्ना फरिश्ता 1974 में आई जिनमें उन्होंने प्लेबैक दिया और बाद में शमा फिल्म से वो बहुत ही पॉपुलर भी हो गई। दोस्तों, उनको 1975 में निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। बाद में उन्होंने अपनी इतनी पॉपुलैरिटी होते हुए उसके बीच में जब उसको मेलोडी क्वीन का जो खिताब दिया गया था पाक फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद उन्होंने आसिफ अली पोता नाम के बहुत ही मशहूर जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ शादी की और तकरीबन उन्होंने उसके बाद फिल्मों को विदा दे दी, अलविदा कह दिया और अपने घर और अपने बच्चों के देखभाल में वो मशगूल हो गई। लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी गायकी और उनके गले में तरह तरह के गीत गाने की जो एक कुव्वत थी, उनसे वो हमेशा हर दिल अजीज रही। दोस्तों, आज हम उसके सबसे पहले थोड़े क्लिपिंग देखने की हम चाहेंगे कि हम क्लिपिंग देखें। सबसे पहले उनमें जो हम एक क्लिपिंग आपको दिखा रहे हैं वो वैसे तो हजरत अमीर खुसरो का फारसी में एक कलाम था, उसका ट्रांसलेशन है जो सूफी तबस्सुम साहब ने किया था और नाहिद अख्तर जी ने जब वो गाया तो बहुत ही मशहूर हो गया, ये रंगीन ये नौबहार अल्लाह अल्लाह। तो उस गीत से हम ये क्लिपिंग्स की जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। आइए हम उसके थोड़े से मशहूर क्लिपिंग देखें, उसके बाद हम नाहिद अख्तर जी के बारे में आपसे और भी बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं थोड़े से क्लिपिंग। I'm gonna
ले, नजरें मिला के मुझे अपना बना ले। Put your eyes above it.
निभाए जाते तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते वरना हमको भी तमन्ना जी के चाहे जाते तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते वरना हमको भी तमन्ना जी के चाहे जाते तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते तो दोस्तों ये क्लिपिंग से आपने जाना होगा कि नाहिद अख्तर जी कितनी अच्छी तरह से अलग अलग मूड्स और अलग अलग जिसमें इंस्पिरेशंस होती थी ऐसे नगमे वो गाया करती थी और बहुत ही सक्सेसफुल गाया करती थी। पाकिस्तान के दानिश्वरों और जो म्यूजिक के क्रिटिक्स और जानकार है वो ऐसा बताते हैं कि मलिका तरन्नुम नूरजहां के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है तो वो नाहिद अख्तर जी। सब ने उसको मेलोडी क्वीन का भी खिताब दिया था और वो सारी बातों में सबसे ज़्यादा अव्वल तो ये है कि उसका एक सीधा साधा जो अप्रोच रहता था लाइफ की तरफ म्यूज़िक की तरफ और बहुत ही सादा ढंग से वो एक बड़ी ही कलाकार होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह से सिंपल से वो पेश आती थी और बहुत अच्छी तरह से अपने पेशे से ईमानदारी से वो काम करती थी। दोस्तों अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसा नगमा है जो आप जब भी सुनेंगे तो आपको मज़ा देगा और आप उसका मज़ा लें। देखिए उस गीत में एक अलग मूड है फिर भी नाहिद अख्तर जी ने जो खुद पेश कर रही है वो गीत वो लाइव शो में है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप जरा देखिए और इसका मजा लीजिए उसके बाद हम नाहिद अख्तर जी के बारे में थोड़ी और भी बातें आपसे करेंगे। इससे इनकार नहीं
मेरा फरमा है मेरी जान शेर दिल खाना मैं तेरी तू मेरा जाना ना भाई तो दोस्तों कैसा लगा ये गीत आपको जब भी हम नाहिद अख्तर जी के कोई भी गीत या गज़ल या फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो दिल की गहराइयों से गा रही है और ऐसी ही वो अगर गाती रहती तो आज भी हज़ारों नगमे उनके नाम के होते लेकिन उन्होंने शादी के बाद गाने से थोड़ा सा उन्होंने किनारा कर लिया लेकिन आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों में अपने ये गीतों के कारण गज़लों के कारण और फिल्मी गीतों के कारण और ख़ास करके जो लोक तमाशा जैसे प्रोग्रामों में उन्होंने गाए जो लोकगीत उनके कारण वो आज भी अपनी जगह बना कर रखी है उन्होंने। दोस्तों चलते चलते हम आपको सुनाना चाहेंगे वही हजरत अमीर खुसरो का जो बहुत ही बड़ा मकबूल कलाम है वो नाहिद अख्तर जी किस तरह से पेश कर रही है वो आपको दिखाना चाहेंगे। आप उसका मज़ा लीजिए और आज तो बस इतना ही। अंबाजी को आप रुख्सत दीजिए, हम आपसे अलविदा ले कह रहे हैं और फिर किसी नए एपिसोड में नए फनकार के साथ कोई नए नगमों के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और अल्लाह।